हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन अवी गेमिंग अप। तो आप लोग कर चुके होंगे अपनी पहली वाली क्वेस्ट, चाहे तो मेरी वीडियो देख के करी होगी या फिर खुद कर ली होगी, बट अगर आपको क्वेस्ट टू में कोई भी हेल्प चाहिए तो हेयर आई एम डूइंग दिस क्वेस्ट टू फॉर यू गाइस। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, मेरे को अभी रिवॉर्ड्स इतने ज़्यादा इसके चाहिए नहीं होते हैं इवेंट क्वेस्ट के, बट ये भाई लोग आप लोग अटके हो गए थ्रोन ब्रेकर डिफिकल्टी में करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं बेस्ट कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, कौन से चैंपियंस यूज़ करने हैं, क्या कोई टैग चैंपियन है या फिर कोई नोट्स है, समझा देता हूँ मैं। ठीक है गाइस, टेक अटैकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ आर्मर अब बफ्स विद पावर ड्रेन 50% ऑफ द डिफेंडर्स पावर ईच टाइम दे परफॉर्म्ड अ वन टाइम ब्लॉक। तो वैसे चैंपियंस काम आने वाले हैं जो गाइस आर्मर अप के साथ में टेक चैंपियन होंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, ब्लॉक्ड अटैक्स कॉज द डिफेंडर टू गेन 5% ऑफ द पावर। मतलब अगर आपने सामने वाले के ब्लॉक पे मारा तो उसे 5% पावर होगी। मतलब पावर क्या, पावर गेन टाइप, लाइक आप उसे मारोगे उसके ब्लॉक पे तो उसे पावर गेन होगी। ठीक है, लाइक अब सेकंड वाला पार्ट में देख लेता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसमें भी टेक वही रहेगा, ब्लॉक्ड अटैक रहेगा, ठीक है, लिंक नोड, और इसमें रहेगा स्ट्राइक बैक कि अगर आपने कोई भी अपनी स्पेशल यूज़ करी तो सामने वाले की 1 बार ऑफ पावर बन जाएगी। ठीक है, तो गाइस उसके बाद मैं चलता हूँ लेफ्ट साइड में, इस पर भी वही टैक रहेगा, ब्लॉक हिट्स रहेगा। स्ट्राइकर्स डील बर्स्ट ऑफ डैमेज इक्वल्स टू 100% ऑफ द डैमेज डील्ड एडिशनली व्हेन एवर एन अटैकर स्ट्राइकर फिनिशेस अ कॉम्बो द अटैकर गेन्स अ फ्यूरी। ठीक है, उसके बाद में द अटैकर स्पिरिट गेन रेट इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो गाइस इतना कुछ पढ़ने के बाद में मैं एक कंक्लूजन पे आ चुका हूँ कि आपको कौन से चैंपियंस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले चैंपियंस वो होने चाहिए जो टेक हों, दूसरी चीज़ उन पे आर्मर अप हो। अब इनके बेस्ट ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, लाइक व्हेन वी गो इन एडिट टीम, गो फॉर टेक पहली चीज़, तो उसके बाद में किस किस पे आर्मर अप होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमारे आयरन डोम पे भी होता है, निमरोड पे भी होता है, हमारे वॉरलॉक पे भी होता है, हमारे स्कल पे भी होता है, हमारे हल्क बस्टर पे भी होता है, हमारे अल्ट्रॉन पे भी होता है, हमारे वॉर मशीन पे होता है, हमारे जहाँ तक होता है एक बार टेस्ट कर लेना इस चीज़ को, हमारे आयरन मैन IW पे भी होता है, हमारी ओमेगा सेंटिनल पे आर्मर अप याद नहीं मुझे, बट ये बात मुझे पता है कि जो नई वाली आयरन जो भी आई आयरन हार्ट उस पर भी आर्मर अप होता है। बहुत सारे चैंपियन गाइड गार्डियन की भी अगर वेकिंग एबिलिटी उस पर भी आर्मर अप आता है, और यार देखो सेवरल ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है आर्मर अप के साथ में। थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था, कुलुटीन ऑल्सो हैव दैट आर्मर अप। ठीक है, अब देखिए जितने भी आप टेक चैंपियन ले जाइए सब में रिलिक होने चाहिए। ठीक है, रिलिक देख लिए हमने, उसके बाद में हम लोग प्रीव्यू में गए और गाइज हमने देखा बॉस पे गया। ठीक है, लाइक बॉस कौन है, पहली चीज़ तो मसाकर है, उसके बाद मसाकर पर नोट्स क्या है गाइज, द डिफेंडर, ठीक है, द डिफेंडर क्रिटिकल रेटिंग एंड क्रिटिकल डैमेज रेटिंग इज इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन नॉकडाउन करना है, प्रोटेक्शन हटाने के लिए बहुत आसान है, द डिफेंडर 99% एनर्जी रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी एनर्जी रेजिस्टेंस, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी 7 seconds द नेक्स्ट बफ एक्टिवेटेड ऑन द डिफेंडर इमीडिएटली प्योरीफाइड। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि भाई सिर्फ हम उसे डीबफ की दम पर नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो 7 सेकंड में सारे डीबफ हटा देगा, हमारी मेहनत पर कचड़ा कर देगा। उसके बाद में ऑल ऑफ द अटैकर स्पेशल अटैक एंड बेसिक अटैक्स आर ओवररिडन एंड कॉन्टैक्ट द अटैकर एनी डील ओनली फिजिकल डैमेज और एनर्जी डैमेज, द अटैकर स्टार्ट्स विद फिजिकल डैमेज व्हेन एवर द अटैकर नॉक्स आउट द डिफेंडर विद हैवी अटैक द डैमेज ओवर राइट साइकिल्स। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, द डिफेंडर हैज 99% एनर्जी रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड एनी हिट फॉर द एनर्जी रेजिस्टेंस, तो आपने जैसे ही हैवी मारोगे वो एनर्जी रेजिस्टेंस जो है, नहीं नहीं रुकिए, ऑल ऑफ द अटैकर बेसिक अटैक्स आर ओवर रिटन रुकेंगे टू डील द टाइम टू फिजिकल और ओनली एनर्जी डैमेज द अटैकर स्टार्ट्स विद फिजिकल। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे इसे एनर्जी रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसे फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं मैंने बोला अटैकर नॉक द डिफेंडर डाउन, मतलब जैसे हम उसे नॉक कर देंगे उसके बाद में जो हमारी फिजिकल है वो एनर्जी हो जाएगी और उसे एनर्जी डैमेज होने लगेगा। तो लाइक जब भी एनर्जी डैमेज स्टार्ट हो जाए आपको हैवी मार के उसे कन्वर्ट करके फिजिकल में करके डैमेज करना है। बातें बात की बात है, मैं समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो इतना पाथ के लिए बहुत है, हल्क बस्टर आयरन डोम को मैं हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैंने किट ही रख लिया जस्ट फॉर दी बॉस। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा पहला स्टेप, तो गाइस सबसे बड़ी बात पाथ कौन सा लेना है। गाइस मेरी नज़र में ये वाला पाथ होने वाला है बेस्ट, क्यों होने वाला है मैंने आपको सब बता दिया है।
उसके बाद में गाइज यहाँ पे आपको स्पिरिट वाले जो ग्रज है उसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है स्पिरिट ग्रज की, क्योंकि हमारा होने वाला है रेलिक। और मैं यहाँ पे गुलूटीन को यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट अ नॉर्मल रीज़न, वो स्पेशल वन से ही पावर ड्रेन करती है, बट मैं स्पेशल वन मारूंगा ही नहीं। स्पेशल मेरा अलग से एनर्जी डैमेज भी करेगा गाइस, देखिएगा, इसीलिए मैं लेके आया ही हूँ। विल एंड दिस फाइट विद स्पेशल 3, इससे मेरा अगली जो फाइट है वो 100 कॉम्बो के साथ में स्टार्ट हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गाइस ग्लूटीन के साथ स्टार्टिंग बस थोड़ी मुश्किल लगती है, पर ना है ग्लूटीन भी बहुत बहुत लाजवाब प्लेयर है इस गेम की। यार प्रभु मर जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको इतना तामझाम सेट करने की। वंस ही विल रीच मतलब 8 के आसपास आई विल लॉन्च माय स्पेशल 3 गाइस। और आप सुनिए, अगर आप बार अभी आप स्पेशल छोड़ेंगे बिना गाइस, स्पेशल अगर आप छोड़ देते हैं तो उसकी वो 15% जो पावर ड्रेन होती है वो बहुत मस्त तरीके से होती है, बहुत मस्त तरीके से, ठीक है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वाली फाइट में, जो क्या होने वाली है अगेंस्ट दिस टॉड, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द फाइट विद भाई कॉम्बो। ओ भाई डिजिटलाइज्ड कंज्यूम्ड, ठीक है, हिट खा गए तो भी चला जाएगा सब मामला, मेरी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक हैवी में मार देता हूँ जस्ट टू कॉम्बो प्रोटेक्शन एक आ जाए मेरे पे। गाइज मेरे को लग रहा है ना स्पेशल 3 तक मामला टिक नहीं पाएगा, मैं तो चाहता हूँ यार टिके, क्योंकि अगर वो स्पेशल 3 तक नहीं टिका तो मेरे लिए नेक्स्ट फाइट बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने हिट खाया ही खा जाओ, मैं तो कह रहा हूँ भाई स्पेशल 3 से मेरे को एंड करना था जस्ट बिकॉज यार जल्दी फाइट अगली वाली ख़त्म हो, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्लेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी तो मैंने देखिए गाइस ग्लूटीन यूज़ करी है, बट अगर मैं यहाँ पे हल्क बस्टर को यूज़ करता हूँ तो ही मेरा काम हो जाएगा, दिखाता हूँ कैसे। लाइक ये हल्क बस्टर की फाइट थी स्टार्ट, मैंने मारा हैवी। अब देखिएगा जब जब मैं स्पेशल यूज़ करूँगा ना गाइस, मैं सामने वाले की पावर ड्रेन भी करूँगा, देखिएगा ये देखिए किधर क्या। एक सेकेंड रुकिएगा, पहले तो अभी हम पढ़ते हैं क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या, थोड़ा सा मैंने ना इसके स्पेशल्स के साथ गलती कर दी गाइस, रेड पूल की मैंने डेक्स करने के चक्कर में। नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं गाइस, गुली तो हमारी रेडी है। नेक्स्ट फाइट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रा। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये है, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा, मेरा अटैक अटैकर्स अंडर द आर्मर अबव विल पावर ड्रेन 50% ऑफ द डिफेंडर मैच ईच टाइम दे परफॉर्म फुल टाइम ब्लॉक। हाँ मैं भूल गया था गाइस, ठीक है, लाइक मैं उसकी पावर बनवाई और मैंने पैरी किया एंड देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ये जैसे अभी आपने उसकी पावर देखी, देखिएगा देखा, तो गाइस उस पैरी पैरी से ही काम हो जाएगा अपना। हल्क बस्टर को तो भैया यूज करने के तरीके ही अलग है, पीछे जा ब्लॉक पकड़, पीछे जा ब्लॉक पकड़ प्रभु, ब्लॉक ब्लॉक पकड़ो जाके पीछे यार, ठीक है। पावर ड्रेन गाइस खत्म फाइट, ठीक है,
तो गाइस पहली चीज तो ये है कि बस भाई पैरी पैरी का खेल है और कुछ है ही नहीं। बाकी देखो फाइट में चल कोई भी जाएगा, मेरा काम है आपको बेस्ट बताना। ग्लूटीन यूज करते हैं इस बार, ग्लूटीन इसे ऐसे ही मार देगी, स्पेशल तरीके से मामले ही नहीं जाएगा। हेवी दारा मारे अपने कॉम्बो शील्ड, ठीक है गाइस आप अगर उसके हिट्स ब्लॉक करेंगे ठीक है। गाइस अगर आप उसके हिट ब्लॉक करेंगे तो उसका 5% वो चीज याद रखिएगा। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, मेरा कुल मिला के कॉम्बो अब फिर बन जाएगा क्योंकि मैंने स्पेशल 3 से एंड करी। अरे नहीं हुई एंड, यहाँ पे गाइस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है चलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली फाइट पे अगेंस्ट दिस डैनी मॉन्स्टर। सो स्पेशल 3 से इस वाली फाइट को एंड करेंगे और क्या, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने की। मिस आ गया है, देखिए गाइस ग्लूटीन के साथ में कभी डरना ही नहीं है। एक देखिए उसकी स्पेशल 3 बनने वाली, कोई बात नहीं भाई मेरे पास में स्पेशल 1 है, तुम जाए ब्लॉक कर लो मैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्पेशल 2 मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगती है डैनी मॉन्स्टर की, मतलब खुद डॉज करने तक में। तो ना गेम की आवाज बहुत कम आ रही है, खेलने का वही जो होता नहीं है रिदम होती है, रिदम नहीं बन पा रही। हैंग कितना हो रहा है यार, ठीक है गाइस रिलेक का बहुत फायदा मिलने वाला आपको। फाइट खत्म गाइस, ठीक है तो गाइस उसको देखिए मसाकर का सीधा सीन ही है भाई, एंट्रेंस होगी हमारे जो अटैकर है उसकी एज अ फिजिकल, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल टाइप अटैकर ज़्यादा यूज़ करने हैं, एनर्जी टाइप नहीं करने हैं, एनर्जी टाइप लाइक फोटोन हो गई नहीं यूज़ करना है। ओके तो मैं तो ग्लूटीन से ही चलता है, देखा जाएगा ठीक है। ग्लूटीन डीबफ्स डालती है बट शॉट, चलो अब देखिए गाइस नॉर्मल डैमेज तो होगा ठीक है, बट एनर्जी टाइप जो जैसे नहीं अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूटीन के हर हिट में जो अलग से एक एनर्जी डैमेज आ रहा था, देखिए उसे रेजिस्टेंस है उस चीज़ से। लाइक अगर आप ह्यूमन टॉर्च यूज़ करो या कोई भी यूज़ करो जो एनर्जी डैमेज देता है, ये मैंने बस बताने के लिए करा है जिससे आप लोगों को भाई पता लग जाए एनर्जी टाइप डैमेज। अब देखिए ग्लूटीन को मैं यूज़ कर रहा हूँ बट उसे वो एनर्जी डैमेज नहीं हो पा रहा है, देखा आपको। बट यहाँ पे मैंने एक लगाई है स्पेशल 2, अब देखिए हर 7 सेकंड में उस पर यह भी है कि भाई उस पर कोई डीबफ होगा तो वो चीज़ नहीं काम करने वाली है। देखिए आप उसकी हेल्थ, तो ये कुछ नॉर्मल सी गलतियाँ गाइस जो मेरे को आपको बतानी थी। अब मैं इस फाइट को लीव कर रहा हूँ कि भाई एनर्जी टाइप अटैकर्स को नहीं लेके जाना है ठीक है। उसके बाद में अब फिजिकल टाइप अटैकर्स कौन से हो गए ठीक है, लाइक ये भी ये हल्क बस्टर भी स्पेशल 2 के बाद में वो नौटंकी करता है, और हरक्यूलिस की भी स्पेशल 2, मतलब जो हरक्यूलिस का नॉर्मल डैमेज है वो तो होगा बट उसकी जो स्ट्रेंथ से अलग से रेड डैमेज होता है वो उसको बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। अब देखिए मैं केडी को यूज़ करने वाला हूँ अगेंस्ट दिस सैक्रो, ठीक है तो एनर्जी डैमेज कोई बात नहीं। मार स्पेशल 1, अरे 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 खुद ही हैवी मार दिया, उस दिन वाले नशे हो रहे हैं गाइस। ये
गाइस देखिए मैंने स्पेशल वन इसलिए मारी है, अरे थोड़ी सी गाइस गड़बड़ हो गई, मुझे फेस के टाइम पे मारनी थी, फिर ये प्योरीफाई नहीं कर पाता क्योंकि वो पैसिव हो जाती ना। गाइस ब्लॉक मत करिएगा इसको, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मैं सहकर तू तो पागल हो गया भाई। ले भाई गाइस इस बार मैंने वो वाली मारी है। अब देखिए गाइस बात क्या है, बात यहाँ पे ये है, ये एनर्जी डैमेज का कितना ज्यादा हील कर रहा है ना, अब उस हीलिंग से बचाना, रुको मुझे। मारने दो अब उसे स्पेशल तरीके, कोई बात नहीं मैं इस फाइट को खत्म कर दूंगा। इस बॉस के बारे में और रीजन के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा अभी मुझे। गाइस यहाँ पे तो मर गया, मैं आपको बताना भूल गया था कि उसे एनर्जी डैमेज नहीं करना है, ठीक है, उसे एनर्जी डैमेज नहीं करना है, और स्टार्टिंग हो रही थी मेरी फिजिकल के साथ में। अगर मैं उसे हैवी मार दिया और एनर्जी अटैक में मारने लगा तो वो सब चीज़ें हील कर लेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि मसाकर हील करने लगा आप उसे बस पैरी करके एक हैवी मार दीजिएगा, ठीक है, बस नॉक डाउन करना उसे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी स्पेशल टू मारी, स्पेशल टू मारने के बाद मेरा फिजिकल डैमेज एनर्जी डैमेज में कन्वर्ट हो गया तो वो मेरे हर हिट से हील करने लगा। मेरे को क्या करना है, स्पेशल के बाद में एक हैवी ज़रूर मारना है, या फिर अगर उसे वो हील कर रहा है तो उसे एक स्पेशल मार देनी है, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था इस बॉस में। तो आई होप गाइज आप लोगों को इस वाली वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और भाई एनर्जी अटैकर्स को मत ले जाएगा लाइक ह्यूमन टॉर्च एंड ऑल, और बाकी आपका हर फिजिकल टाइप अटैकर भी एनर्जी टाइप हो जाएगा जब भी वो इसको नॉकआउट करेगा, ठीक है। और नॉकआउट करने के बाद में उनको एक बार और नॉकआउट कर देना, अपने फिजिकल वाली चीज़ को मेंटेन रखना है और इसे रीजनरेट करने से रोकना है। सो आई होप गाइज आप लोगों को आया होगा मजा, सो गिव इट अ थंब्स, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, लव यू गाइज, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।